दोस्तों, अगर आप एक स्पीकर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मेरे पास है ये JBL Go प्लस का स्पीकर जिसको मेरे को परचेस किए पूरे 1 साल 6 महीना हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इसका पूरा का पूरा रिव्यू करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इस प्राइस सेगमेंट में यह स्पीकर क्या वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, इसकी बेस क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी में क्या चेंजेस आया हुआ है आफ्टर यूजिंग 1 ईयर। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्पीकर की प्राइस की। तो यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स है जो कि आप लोग देख सकते हो, इसे मेरे को बॉक्स भी मैंने रखा हुआ है संभाल के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 2799, लेकिन इसको अभी अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के थ्रू परचेस करते हो अभी, तो अभी आपको मिलेगा 1100 रुपये में, इजीली आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू ही परचेस करें, ऑफलाइन बिल्कुल ना परचेस करें, क्योंकि इसका डुप्लीकेट भी मार्केट पे अवेलेबल है। तो इसका आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ही परचेस करें। और यहाँ पे इस स्पीकर के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो कि मैंने इस पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि आपको 1 से 1.5 घंटे में फुली चार्ज इसको कर देती है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है, देखने में काफ़ी अच्छा इसका लुक है, और इसे आप इजीली कहीं भी हाथ में लेके कहीं भी आप घूम सकते हैं, म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं। यहाँ पे किसी ने जियो का स्टिकर चिपका दिया है, इसको छोड़िए ये भी लगा दिया किसी ने, तो इसको आप इजीली कहीं भी ले जाके सुन सकते हैं। और आप इसे पॉकेट में भी रख सकते हैं, इतना हैवी भी नहीं है। इसका वेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद इसका वजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका वजन जो है 207 ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, 207 ग्राम का है। और इसकी जो रेटेड पावर है 3 वाट, यानी कि 3 वाट का स्पीकर है ये। और इसकी एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि इसकी जो स्विचेस वगैरह हैं, आप इजीली यदि अंधेरे में भी हैं तो आप इसे यहाँ से ऐसे प्रेस करके आप समझ सकते हैं कि कौन सा वॉल्यूम अप है, कौन सा वॉल्यूम डाउन है, कौन सा ब्लूटूथ है, कौन सा पावर ऑन ऑफ है। तो इसे आप इजीली यहाँ से पहचान कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसको, मेरे को यूज़ करते पूरे 1 साल हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा अमेजिंग साउंड क्वालिटी दिया है मैंने, मतलब दिन में कभी भी 1 घंटे 2 घंटे मैंने लगातार इसको म्यूजिक सुना है इससे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इससे म्यूजिक सुनते हैं तो आप एक कमरे के लिए परफेक्ट माना जाता है। अगर आप एक कमरे बंद कमरे पर म्यूजिक सुन रहे हो तो काफ़ी अच्छा ये गमकता है, काफ़ी अच्छा इसका बेस देता है। इसको मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जिसको चार्ज करने में पूरे के पूरे आपको 1 घंटा 30 मिनट लगते हैं, 1 घंटे 30 मिनट में यह स्पीकर जो फुली चार्ज हो जाता है। और जब आप इसे एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं तो आपको यह इजीली 5 से 6 घंटे चल जाता है। तो मैंने इसे लगातार कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे भी इससे म्यूजिक वगैरह सुना है। तो इसकी बैटरी तो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी टाइम तक चलती है। तो चलिए इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आया हुआ है आफ्टर यूजिंग 1 ईयर। तो सबसे पहले हम इसे प्रेस करेंगे, पावर ऑन ऑफ की स्विच को प्रेस करते हैं। तो जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हो ये बत्ती जो है मतलब जलने लगेगी, बंद होने लगेगी, मतलब लपलिप होने लगेगी। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसका ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं मोबाइल का अपने। ब्लूटूथ हमने ऑन कर लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लूटूथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पर क्लिक करना है, चूँकि हमारा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, मैंने कई बार इसको कनेक्ट किया है। तो अगर आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप इसे बंद करिए, फिर उसके बाद ऑन करिए, फिर उसके बाद इसका ब्लूटूथ पे प्रेस करिए, फिर यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो JBL Go प्लस के नाम से आ रहा है। तो आप इसे कनेक्टिंग पे लगाइए, कनेक्ट हो गया, ऐसे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइज, इस स्पीकर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट्स का भी फीचर दिया हुआ है। तो आप इसे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं, मेरे फ़ोन पर देखिएगा इससे कनेक्टेड है डिवाइस, यहाँ पर प्रेस करेंगे कुछ सेकेंड के लिए। अब यहाँ से बोल के कुछ भी सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन में, म्यूजिक वगैरह भी ऑटोमेटिक सुन सकते हो। आप लोग देखिए कितना क्लियरिटी से इसने सुना हुआ है, मैंने जो ही बोला है आप कुछ भी सर्च रिजल्ट फ्रॉम यूट्यूब, ये देखिए मतलब इतना मतलब कनेक्ट कर लेता है। और गाइज, यह स्पीकर 13 मीटर की दूरी तक के ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। तो इसको आप इजीली इन दोनों से 13 मीटर दूरी तक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आया है पहले की अपेक्षा अब। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो माइक है इसको स्पीकर के पास रख देता हूँ ताकि इसका आपको अच्छे समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ, एक सॉन्ग बजा देता हूँ, ये देखिए। हो गया मतलब इससे रुक गई म्यूजिक, फिर इसको क्लिक कर देंगे फिर से ऑन हो जाएगी। Thank you.
और गई साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अमेजिंग है, कोई भी चेंजेस मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने शुरुआती में जब इसको परचेस किया था तब इससे मेरे को म्यूजिक वगैरह सुनता था, तो वैसे ही अभी का पूरा सीन है। और इसको परचेस किए पूरे के पूरे मेरे को 1 साल 6 महीने हो चुका है। यहाँ पे बिल वगैरह भी है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, पता नहीं कहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका जो साउंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, आप लोग देख सकते हो। मैंने फिर से आपको सुना देता हूँ, ये देखिए। और गाइस एक और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इस पर कॉलिंग वगैरह भी आप स्पीकर के थ्रू ही कर सकते हो। स्पीकर मतलब कोई अगर आपको कॉल करता है तो आप इसे प्रेस करके आप कॉल रिसीव कर सकते हो, यहीं से आप कट कर सकते हो। तो कॉलिंग वगैरह भी सिस्टम है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे एक माइक भी लगा हुआ है, तो आप फोन को दूर रख के इस स्पीकर से बात भी कर सकते हो। यहाँ पे माइक के थ्रू आपकी जो कॉलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो गाइज इस स्पीकर को अगर आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। मेरे को 1 साल 6 महीने यूज़ करते हो गया, काफ़ी अच्छा अमेजिंग इसका बेस क्वालिटी है और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसकी बैटरी बैकअप पे भी कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है, मैं अभी भी इसको चार्ज करके 5 से 6 घंटे यूज़ कर लेता हूँ। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक देकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम आगे वैसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो बजट पर देते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।